जयपुर स्टेशन पर अगले महीने और गांधीनगर स्टेशन पर इस महीने बड़ी संख्या में ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा, क्योंकि दोनों स्टेशनों पर चल रहे स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम को बढ़ाया जाएगा। ऐसे में दोनों स्टेशन पर मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। जयपुर स्टेशन पर 50 से अधिक ट्रेनों का संचालन आंशिक रूप से डायवर्ट रहेगा। गांधीनगर में 15 घंटे के मेगा ब्लॉक की वजह से 25 से अधिक ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। जयपुर स्टेशन पर ब्लॉक की वजह से जयपुर के ऑरिजिनेट, टर्मिनेट और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेनों को खातीपुरा, दुर्गापुरा और डेर का बालाजी स्टेशन से चलाया जाएगा। वहीं गांधीनगर से जुड़ी करीब 25 ट्रेनों को डाइवर्ट या रीशेड्यूल किया जाएगा। इसके लिए उत्तर पश्चिमी रेलवे ने बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया। सूत्रों की माने तो रेलवे बोर्ड ने इस प्रस्ताव को सशर्त सैद्धांतिक मंजूरी दी है, जिसमें कहा कि काम की अवधि को कम किया जाए और इस तरह से प्लानिंग की जाए जिससे ट्रेनों का संचालन कम से कम प्रभावित हो। इसके बाद प्रिंसिपल सीओम मदन देवड़ा, सीपीएम सुनील गुप्ता, सीओएम विवेक रावत और सीटीपीएम गौरव गौड़ ने इसे लेकर जयपुर मंडल के साथ प्लानिंग शुरू कर दी। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार जयपुर स्टेशन पर रूफ प्लाजा कॉनकोर हॉल बनाने की वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर 3 महीने से अधिक समय के लिए मेगा ब्लॉक लिया जाएगा।